आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी उसके बाद एक्शन क्या होगा उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा एडवाइजरी इशू किए हैं जो भी पिछले 11 बारह इलेक्शंस में एक्चुअली जो पिछले पांच साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशन होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर दी 24, सो दिस इज आओ वी हैव सेट आर ग्राउंड एंड वॉट वी हैव डन इन दैट वी हैव सेट वी आर पुटिंग पोलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस मीन्स वी है वाज पोलिटिकल पार्टीज टू गिव कॉपी ऑफ आर गाइडलाइंस टू ईच स्टार कैंपेनर पोलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए ये जिम्मेदारी हमने पोलिटिकल पार्टीज को दी है सो नाउ वॉट इज हैपनिंग वी है पुट देम और नोटिस एंड वी विल प्रज्यूम नॉलेज ऑफ The guidelines. This is the two, these are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking you issued so many notices last time. Didn't did nothing. We left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond. And here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, jo MCC violations kis prakar ho ई मीन स्टेटमेंट्स विच विच इंस्पायर विच शुड इंस्पायर रादर देन डिवाइट इशू बेस्ड कैंपेन हो हिट स्पीचेस रिलीजियस स्पीचेस प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म इज वॉट इज एप्सोलूटली अवॉइडेबल वन शुड पीपल शुड बी रिफ्रेनिंग फ्राम गिविंग अनवेरीफाइड एड मिसिंग एडवरटाइजमेंट्स और मैस्कोरेडिंग एज एन एडवर्टाइजमेंट एज ए न्यूज इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू किया है वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि एडवर्टाइजमेंट है लेट इट नॉट पास थ्रो एडवरटाइजमेंट वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज नाउ द टाइम इज ट्यूरिंग दिस इलेक्शन टू गो बियड एडवाइजरीज टेक कंक्रीट एक्शन फॉर विच इन द एडवाइजरीज देर आर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट विच आर ऑल्सो इन सो नोटिस इज देयर नॉलेज इज देयर सेक्शंस आर देयर सो प्लीज़ आर रिक्वेस्ट इज़ कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज़ डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन ये वैसे भी इसलिए ज़रूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो सौ साल तक के लिए पैदा हो गया वो बार बार चलता रहता है सो प्लीज़ अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth प्लीज़ be civilized during the इलेक्शन दिस इज what इज आर advice और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है रहीम ने कहा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें शोर शराबा कम हो फ्रेंड्स पोलिटिकल पार्टीज़ को और भी बहुत सारी स्टीम लाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को हमने कदम उठाए हैं ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस क्या किया है अराउंड 537 हंड्रेड थर्टी सेवन रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज है पोलिटिकल स्पेस वो क्या करती थी किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया गाड़ियों की परमिशन ले ली दूसरा कोई यूज़ कर रहा है किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट भा, ले लिया भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस क्राउडिंग आउट दी जेन्यून पर्सन सो दैट इज वॉट इट हैज़ बीन डन सारी फाइनेंशियल फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज फॉर्म में हमारे पास आएंगी ऐसा हमने उनको कहा डायरेक्शंस दे दिए इट इज स्टार्टेड कमिंग तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पोलिटिकल फाइनेंसिंग प्लमटिंग लेवल आई हैव ऑलरेडी सेट वी हैव ऑल्सो आज द पोलिटिकल पार्टीज टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू दर्सन विद डिसबिलिटीज इन द डिस्कोर्स नॉट टू यूज दूसिव वर्ड्स ऑल्सो टू नॉट यूज चिल्ड्रन एट ऑल ड्यूरिंग द कैंपेनिंग